गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे वी विल कंप्लीट द चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन। ओके, इन द प्रीवियस वीडियो, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बताया था। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन या लूज ऑफ हाइड्रोजन होता है, जबकि रिडक्शन रिएक्शन में लूज ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। मींस दे आर जस्ट अपोजिट, ये दोनों रिएक्शन आपस में जस्ट अपोजिट होते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ द रिडक्शन एंड द ऑक्सीडेशन इज जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। ओके, इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन रिएक्शन है वो हमेशा साथ साथ होते हैं। ओनली ऑक्सीडेशन और ओनली रिडक्शन रिएक्शन डज नॉट अकर, सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन या सिर्फ आपको रिडक्शन रिएक्शन अकेले नहीं संभव है। इफ़ वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, अगर हम उसका एक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन रिएक्शन आर ऑल्सो ऑक्सीडाइज। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन विच शोज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिडक्शन रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड रिडॉक्स। अगर हम रिडॉक्स की बात करें, रिडॉक्स मीन्स रेड, रेड मीन्स रिडक्शन। ओके, एंड द ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। ओके, टू सी यू प्लस एच टू ओ, उसमें ऑक्सीडेशन से दैट इज रिडक्शन, और जबकि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन। ये दोनों साथ साथ हो रहे हैं प्रोसेस, और इसमें जो है सी यू जो है वो इट इज़ बींग रिड्यूस्ड एंड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि एच टू जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ओके, वॉट इज द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन और रिमूवल हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के जिम्मेदार होता है ऑक्सीडेशन के लिए या हाइड्रोजन को हटाने के लिए, उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, जो कि रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन देता है या ऑक्सीजन को निकालता है, इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, देयर इज द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज द कोरोसन। कोरोसन मीन्स द स्लो बस स्पॉन्टेनियस डिटेरियोरेशन ऑफ मैटर ड्यू टू देयर इंट्रैक्शन विद इन्वायरमेंटल फैक्टर इज कॉल्ड कोरोसन। कोरोसन मीन्स वो केमिकल प्रोसेस जिसमें मेटल्स को ग्रेजुअली क्षय होता है, नष्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ द सब्सटेंस अराउंड इट, जो उसके चारों तरफ सब्सटेंस इन्वायरमेंटल जो सब्सटेंस है उनके द्वारा, जैसे कि ह्यूमिड एयर, एसिड एट्सेट्रा। ओके, और अगर कोरोसन रस्ट के आयरन के साथ होता है तो हम लोग उसको रस्टिंग के नाम से जानते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन टू एफ ई टू ओ थ्री एक्स एच टू ओ। ओके, it is important to know that rusting of iron is a redox reaction. 4Fe plus 3H2 3O2 plus 2XH2O pani is equal to hydrated ferric oxide means 2Fe2O3XH2O. I repeat, मैं फिर से इस reaction को repeat करूँगी। 4Fe plus 3O2 plus
2XH2O is equal to 2Fe2O3XH2O. Okay. Hydrated ferric oxide. Rust is a reddish brown powder. ये एक reddish brown powder होता है which is formed on the surface of iron article, जो कि iron के जो पदार्थ हैं, जो substance है उनके ऊपर ये लगता है. Okay. इसके अलावा corrosion जो होता है वो दूसरे metals में भी पाया जाता है. Corrosion of the several other metals also occur. The black coating of on silver articles and the green coating on the copper articles are the example of corrosion. And the prevention of rusting. अब इससे बचा कैसे जाता है? Rusting of iron can be prevented by applying paint on iron articles. इनके ऊपर paint करते हैं, oiling करते हैं, greasing कर सकते हैं और इनको बचाते हैं, क्योंकि इनके जब oiling करने के बाद जो iron articles do not in contact with the humid air, acid etc. and are saved from corrosion. Okay. And the next is rancidity. The taste and the odor of the food material containing fat and the oil changes when they are kept exposed to the air for long time. जब लंबे समय तक के लिए हम लोग खाद्य पदार्थों को खुला छोड़ देते हैं तो उनकी टेस्ट और स्मेल सही नहीं होती and they are unfit for eating and this is called the rancidity. फैट और ऑयल जो कि खाने के फूड मटेरियल में मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और उनके ऑक्सीडेशन के कारण ही रेंसिडिटी होती है. ओके, सो आई रिपीट, द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल टू प्रोडक्ट हैविंग अनप्लेजेंट टेस्ट. अनप्लेजेंट मतलब ऐसा टेस्ट जो अच्छा ना हो, एंड स्मेल आल्सो, एंड मेकिंग द फूड अनफिट फॉर ईटिंग इज कॉल्ड रेंसिडिटी. एंड द प्रिवेंशन, इसके बचने के लिए फूड मटेरियल में एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं. एंटीऑक्सीडेंट मींस देयर आर टू कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स आर BHA एंड BHT, ब्यूटेलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून. ओके, या उनको एयर टाइट कंटेनर में फूड को स्टोर करके रखते हैं, या उनके अंदर की हवा निकाल करके और उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं जिससे फूड मटेरियल काफ़ी समय तक फ्रेश रहता है, या बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर उनको फ्रिज में रखते हैं. फ्रिज में रखने से जो रेंसिडिटी का रेट होता है इज डिक्रीज, द रेट ऑफ द रेंसिडिटी डिक्रीज इन रेफ्रिजरेटर एंड फूड रिमेन गुड टू ईट फॉर अ लॉन्ग टाइम, या बाई स्टोरिंग द फूड इन द एयर टाइट कंटेनर. ओके, सो नाउ आवर चैप्टर केमिकल रिएक्शन हैज कम टू एन एंड. ओके, बट बिफोर इट आई विल गिव यू सम एक्सरसाइज विच इज डन यू एट होम, एंड देयर आर सम इक्वेजन जिसको कि बैलेंस करना है, और ये राइट द टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड देयर आर सम आंसर विच इज डन यू एट होम. रेंसिडिटी, कोरोसन. ओके नाउ, ओके सो नाउ आवर चैप्टर केमिकल रिएक्शन हैज़ कम टू एन एंड. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. ओके.